चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तावीज काम कर गए हैं। रिलीफ के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला है। बिलावल जेल गए तो तहरीक चलाऊंगा, शेख रशीद का बड़ा ऐलान। कहते हैं शिमला मुआहदा खत्म करने वालों को कीमत चुकाना पड़ेगी, शायद अब हम पर कश्मीर का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। वजीर आजम और आर्मी चीफ एक ही गाड़ी के दो पहिए करार। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैंने कह दिया है जब तक शेख रशीद रेलवे का वजीर है, समझौता एक्सप्रेस और थर एक्सप्रेस बंद हो चुकी है। फॉरेन ऑफिस ने फैसला सुनाना है। इंडियन ने जो रिव्यू की दरखास्त की है मीडिया में, मैं उसको मुस्तरद करता हूँ जी। और ये चौधरी शुगर मिल बड़ा सीरियस केस है, सारे शरीफ खानदान को शुगर लगा देगा। कमर जावेद बाजवा साहब एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। मैंने कह दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। देखिए डाकू और चोर जो हैं, कफन फरोश जो हैं, जिन्होंने मुल्क की इकॉनमी को लूटा है, ये जाहिर है ये चाहते हैं हमसे, मेरे पास जो इतला है ये चाहते हैं पैसे थर्ड पार्टी दे देगी, लेकिन इसका कोई जिक्र और तहरीर ना हो। इमरान खान को ये कबूल नहीं है। दोनों पार्टियों के दरमियान मुकाबला है कि रिलीफ किसको मिलेगी।